सो हेलो गाइस, हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं आप लोग? और आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग योर लाइफ, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि अब बीपीएससी का भी आ गया 65th. सो मैं तो ये साइंस आई वाज डूइंग, और लास्ट टाइम साइंस में ये किए थे टैक्सोनॉमी. वी डिड टैक्सोनॉमी, आप आई होप कि याद हो. सो टुडे आई विल डू, एक सेकेंड. हाँ, और थोड़ा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं. पेन का कलर चेंज कर लिया जाए आज. सो विच कलर इज गुड, विच कलर इज गुड? दिस कलर. ओके, सो या, सो आई एम रेडी. सो लास्ट एपिसोड में वी वे आर डूइंग टैक्सोनॉमी. सो एक सेकेंड के लिए वी कैन चेक द स्लाइड्स. टैक्सोनॉमी क्या है ये सब आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा. आई हैव टॉक्ड एक्सटेंसिवली, अच्छे से मैंने बोला उसमें. प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. टैक्सोनॉमी का हायरार्की, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ये सब भी बोला है. सो लेट अस मूव. एंड ये सब भी आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड जब हाउ, व्हाट इज हर्बेरियम, व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन, व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. उससे पहले लिनेनस का क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट, टी और, उसने सिर्फ प्लांट और एनिमल बना दिया था, प्लांट और एनिमल. लेकिन दैट वॉज नॉट सफिशियंट, क्योंकि बैक्टीरिया को आप कहाँ डालोगे, फंगस को कहाँ डालोगे. तो इसीलिए आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने भी वायरस को नहीं डाल पाया था. तो वायरस ये सब, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. और ये फाइव किंगडम सिस्टम में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पांच किंगडम से होते हैं. पांच, एक मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एक फंगस होता है, एक प्लांटी होता है, एनिमेलिया. प्लांटी मतलब प्लांट, एनिमेलिया मतलब एनिमल. इसको इंग्लिश में ऐसे बोला था, प्लांटी, एनिमेलिया. तो मोनेरा जो मोस्टली होता है वो प्रोकैरियोट होता है. मतलब प्रोकैरियोट का मतलब भी मैंने बताया है लास्ट टाइम, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो मोनेरा में जो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है. यूकैरियोट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होता है. फंगस भी यूकैरियोट है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. प्लांटी भी यूकैरियोट है, एनिमेलिया भी यूकैरियोट है. सेल वॉल के बोला था कि छोड़ दीजिए, बिकॉज नो वन आस्क अबाउट सेल वॉल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपने, मैंने बता दिया. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर है, सेलुलर है. मोनेरा प्रोटिस्टा जो है ना, सेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल का बना हुआ होता है. लेकिन फंगस अगर देखो तो सेल 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 मिला मिला के टिश्यू बन जाते हैं. तो इसलिए इसलिए टिश्यू है. और प्लांट भी टिश्यू है. और एनिमेलिया का अगर आप देखें तो ये भी टिश्यू बेस्ड है. अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ये खाता है, तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, सब लोग ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हैं, सिर्फ एक्सेप्ट प्लांटी. प्लांट में सिर्फ ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं. और सॉरी, एनिमेलिया हम लोग भी खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. और इवन फंगस हेटरोट्रॉपिक है. तो सब लोग ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक नहीं है, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक सिर्फ दो, मोनेरा प्रोटिस्टा ही है. और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, और सिर्फ हेटरोट्रॉपिक फंगस और एनिमल है. ठीक है, मोनेरा के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, प्लीज गो थ्रू दैट. प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, फंगस के बारे में बताया था, लाइकन के बारे में बताया था, वायरस क्या होता है ये भी बताया था. सो बिफोर आई मूव टू द सेक्शन, देयर आर टू किंगडम विच आई हैव नॉट टॉक्ड. जैसे यहां है ना, अगर आप दो किंग, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है. सो व्हाई आई एम नॉट डीलिंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम अलग अलग, क्योंकि दिस विल बी टू टफ. और मेरे को नहीं लगता बीपीएससी जेपीएससी बहुत डीप में पूछेगी जो क्वेश्चन है. सो विल डू द क्वेश्चन, और बेस्ड ऑन द क्वेश्चन विल ट्राई टू फिगर आउट प्लांट और एनिमल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन टर्म ऑफ नंबर. इतने लोग हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो कितने, 6 बिलियन पीपल है अराउंड. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज किसका होता है, इंसेक्ट. ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर इंसेक्ट होता है. इंसेक्ट को
डिवाइड किया गया आर्थोपोडा में, ठीक है, आर्थोपोडा जैसे इंसेक्ट में, आर्थोपोडा में क्या क्या आता है और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका जो बॉडी होता है ना सेगमेंटेड होता है। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, कॉकरोच आपने देखा है ना, कॉकरोच का बॉडी आप देखिए वो क्या सेगमेंट में होता है ना, इस सेगमेंट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सेगमेंट होता है, तो बॉडी सेगमेंटेड। देखिए इसमें एक चीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज लिखा है, बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप देखें तो बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखें नंबर ऑफ स्पीसीज इंसेक्ट, बैक्टीरिया एक ही तरह का बैक्टीरिया होगा, अगर होगा तो बहुत सा नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर पूछे तो हाँ तो बैक्टीरिया ज्यादा हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज्यादा इंसेक्ट का होता है, प्लांट और फंगस का भी कम होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव, एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा ए बी सी डी में क्या होता है। तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन, फिजन का मतलब क्या, फिजन का मतलब अगर ये इसको दो भाग में बांट दिए तो इसको दैट इज नोन एज फिजन, मतलब एक अमीबा दो तो इसको, तो इसका रीजनिंग ये असर्शन है, ठीक है। और रीजनिंग क्या दिया है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल का होता है, ये यूनिसेलुलर ये एक ही सेल का होता है, और इसमें बोल रहे हैं ऑल जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से, और ये पता है ये सही बात है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो गया वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल, मतलब ये जस्ट डिवाइड कर, देखिए जैसे ये है अमीबा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका न्यूक्लियस, ये अंदर न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ और ये दो अलग अलग अमीबा भी बन गए, टू डॉट अमीबा, एक ही एक अमीबा हैज कन्वर्टेड इनटू दो अमीबा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, देखिए एक क्वेश्चन पूछा, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज व्हिच आर, तो देखो दो तरह का एनिमल होता है, एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग भी एनिमल है, ऐसा मत बोलिएगा कि ह्यूमन बीइंग एनिमल नहीं है, तो एनिमल दो तरह का एनिमल होता है, एक वार्म, एक एनिमल होता है वार्म ब्लडेड और दूसरा एनिमल होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग और जितने भी मैमल स्तनधारी जो भी हैं ये सब वार्म ब्लडेड होते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे होते हैं जैसे आर्थोपोडा हो गया, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल जैसे सांप ये सब जो होता है ना ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसमें आंसर देखिए क्या होगा, तो वार्म ब्लडेड हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना कि हम लोग अपना ब्लड का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमेशा रख सकते हैं, तो वार्म ब्लडेड का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कि हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, इसका फायदा बहुत है। जैसे सपोज एक सांप को आप देखिए, थिंक अबाउट, सांप इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो सांप अगर आप कोल्ड एकदम ठंडी सीजन में देखिएगा, एकदम जहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या विंटर सीजन में, ये क्या करेगा, ये छुप जाएगा, ठीक है, एक बार खाना खा लिया और ये छुप जाएगा फॉर इनसाइड द डीप बिल में, अपने बिल में ये छुप जाएगा, और वो जब तक सन नहीं निकलेगा ही विल नेवर कम बैक, ठीक है। तो ये कोल्ड, तो इसलिए इसके कारण तो ये क्या होगा ना, इससे हम लोग वी कैन लिव एनी प्लेस, हम लोग वी कैन रिमेन लिव इन, हम लोग सबसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी रह लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं, तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है वार्म ब्लडेड का, लेकिन वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, इतना हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत चाहिए, तो इसलिए हम लोग को एनर्जी बहुत चाहिए, इसलिए हम लोग को खाना ज़्यादा चाहिए होता है। आप कुत्ता को कभी देखें कितना खाता है, कुत्ते ईट्स ए लॉट, और वो अगर देखे तो हाँफता रहेगा, ऐसा करके हाँफता रहेगा, तो वो बिकॉज वो अपना बॉडी कोल्ड एनर्जी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग कोल्ड, और हॉट में अपना जीव निकाल के एकदम गर्मी के सीजन में जीव निकालता है ताकि, और वो उससे उसको ठंड मिलती है, तो इसीलिए वार्म ब्लडेड को खाना ज्यादा चाहिए। कोल्ड ब्लडेड अगर है जैसे रेप्टाइल, जैसे एक बार देयर सम पाइथन जो है, अगर एक बार खाना उसको मिल गया अच्छे से तो ये एक एक साल तक नहीं खाता है, 1 ईयर ही कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग, तो इसको खाना कम चाहिए, लेकिन ये बहुत इनएक्टिव होता है,
ठीक है, तो आंसर इसका, इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉट ए फिश। सो ये देखिए, ये है स्टार फिश, इसका नाम है स्टार, एक सेकेंड, स्टार फिश। ठीक है, ऑल दो ये नाम है फिश, लेकिन ये एक्चुअली फिश नहीं है। ठीक है, तो इसका इस ये एक्चुअली इनवर्टेब्रेट है, एक होता है वर्टेब्रा, वर्टेब्रेट, और दूसरा होता है वर्टेब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और दूसरा होता है इनवर्टेब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। अगर वो इनवर्टेब्रेट है, लेकिन तो इनवर्टेब्रेट्स कभी भी फिश नहीं हो सकता, क्योंकि फिश में रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये एक्चुअली एक्नोडर्म्स है, इसको बोला जाता है एक्नोडर्म। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्नोडर्म। दूसरा ऑप्शन जो था शॉफिश, ये देखिए शॉफिश, ये है शॉफिश किसी, और ये वर्टेब्रा है, और ये रियल फिश है। तीसरा ऑप्शन था पियर फिश, दिस इज ए पियर टाइप ऑफ फिश, कितना सुंदर है, बट दिस आर रियल फिश। और दिस है गिटार फिश, गिटार फिश देखिए, दिस इज गिटार फिश, गिटार ऐसा है, बट दिस आर द रियल फिश। तो स्टार फिश विल बी द आंसर फॉर दिस, आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, आंसर विल बी स्टार फिश। सो लेट्स मूव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश। अब इसमें पूछा है कि कौन सा फॉलोइंग ट्रू फिश है, तो लेट अस मूव टू द दिस थिंग, आपको आराम से पता चल जाएगा। देखिए, पहले मैंने बोला सिल्वर फिश, ये जो बंदा है इसको कहते हैं सिल्वर फिश। ठीक है, और सिल्वर फिश एक्चुअली देखिए कितना छोटा है, और ये इंसेक्ट है, ऑल द नाम है इसका सिल्वर फिश, लेकिन है ये इंसेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी क्रेफिश। क्रेफिश क्या है, ये है क्रेफिश, देखिए क्रेफिश इज एक्चुअली लॉबस्टर, अगर कोई लॉबस्टर खाया होगा तो ये लॉबस्टर है, लॉबस्टर है, लॉबस्टर इज नॉट ए फिश। और ये है जेलीफिश, ये जेलीफिश है, ये मोलस्कन है, इसकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फिश नहीं है। और ये देखिए कैटफिश, सो कैटफिश इज रियल फिश, तो आंसर क्या होगा, देखिए फिश ऐसा दिख भी रहा है कैटफिश, तो सो पहले मेरे को आई हैव टू इरेज, तो कैटफिश इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ट्रू फिश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, तो लेट्स सी विथ डायग्राम, दो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, सी कंगर, सी कॉस, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। तो पहले ये देखते हैं स्टार फिश, स्टार फिश तो पता ही है, स्टार फिश तो मैंने बताया है, ये रहा स्टार फिश, वो एक ट्रू नहीं है, नॉट ए फिश, वो फिश नहीं होता है, तो स्टार फिश तो यहाँ ऐसे ही हट जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट जेली फिश, बिफोर आई गो टू सॉरी जेली फिश, लेट्स टॉक अबाउट डॉग फिश। तो डॉग फिश देखिए, डॉग ये है डॉग फिश, ये ऑल द फिश ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये क्या है, डॉग फिश इज एक्चुअली नॉट द फिश, इट इज मैमल, ये सार्क में आता है। ठीक है, तो डॉग फिश को आप कैट फिश तो फिश था, लेकिन डॉग फिश इज नॉट द फिश। एंड कहां गया ये, हाँ तो डॉग फिश तो नहीं है भाई फिश, जेलीफिश इज ऑल्सो नॉट द फिश, एंड स्टार फिश इज ऑल्सो नॉट द फिश। जेलीफिश का मैंने फोटो नहीं डाला है, बट जेलीफिश इज ऑल्सो नॉट द फिश, आंसर बी सी हॉर्स, सी हॉर्स। अच्छा, सी हॉर्स का भी फोटो गायब हो गया, मैंने डाला तो था, पर जो भी है आंसर बी द सी हॉर्स, सी हॉर्स इज द ट्रू फिश, सी हॉर्स इज ट्रू फिश इन दिस। सो याद रखिए, बिल्ली जो वाली फिश तो है ट्रू फिश, लेकिन कुत्ता वाला फिश ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, एंड जेली फिश इज नॉट ए ट्रू फिश, एंड स्टार फिश इज नॉट ए ट्रू फिश। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है सी का, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, पहले देखिए सी काओ,
ऐसा काव जो सी के अंदर रहता है, इसलिए ये है, इसको डुगोंग भी बोला जाता है, डुगोंग। एक बार यूपीएससी ने भी इसको, इस पर क्वेश्चन पूछा था, डुगोंग, ठीक है। एंड सी लायन, सी लायन इज, दिस इज द सी लायन, ये भी मैमल है, मतलब स्तनधारी, और सी लायन, ये सी लायन है, ये भी मैमल है। तो सी लायन, सी का तो आ गया, सी ककंबर इज दिस वन, सी ककंबर ये है, ये भी, ये फिश, ये भी फिश नहीं है। सो आंसर क्या होगा, सी हॉर्स, सी हॉर्स इज ए फिश, जो पिछले क्वेश्चन में भी सी हॉर्स ही आंसर था। तो दरियाई घोड़ा, जो सी का घोड़ा है ना, वो फिश होता है, याद रखिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल। तो इफ यू, अगर कोई पूछे विच इज द लार्जेस्ट एनिमल जो कि जमीन पे रहता है, तो वो एलिफेंट होगा, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट एनिमल पूछा है, तो आंसर विल बी वेल। और टू बी प्रिसाइज अगर बोलें तो ब्लू वेल, ब्लू वेल इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा मेरे को। सो आंसर इज दिस वन। सो लेट्स, वेल क्या है, वेल इज ए फिश, नो, वेल ऑल्दो लिव इन वाटर बट इट इज नॉट द फिश, इट इज ए मैमल। रेप्टाइल मतलब ये सांप भी नहीं है। एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, जो कि जमीन पे और पानी दोनों में रह सकता है, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, विच वन इज ए मैमल, तो कौन इसमें मैमल है। तो आंसर बहुत आसान है, आंसर इज ए वेल। विच वन इज मैमल, आंसर इज विल बी द वेल। एंड लेट्स मूव अहेड, लार्जेस्ट टूथ वेल, वेल जो होता है उसका एक वेल होता है जिसका टूथ सब है, उस लार्जेस्ट टूथ वेल क्या होगा, इसका आंसर होगा स्पर्म वेल, ये सबसे लार्जेस्ट वेल है। लेकिन अगर लार्जेस्ट टूथ वेल पूछे जिसका टूथ है, उसको स्पर्म वेल कहते हैं, ठीक है। ये सब फिन बैक वेल और हम बैक वेल इज द एग्जाम्पल ऑफ वेल, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लू टू वेल इज इंपॉर्टेंट, ब्लू वेल इज इंपॉर्टेंट। ब्लू वेल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट वेल। वेल अभी जापान ने फिर से कमर्शियल वेलिंग स्टार्ट कर, कमर्शियल वेलिंग मतलब स्टार्ट कर दिया है, आफ्टर इंटरनेशनल वेलिंग कमेटी को उसने बोला टाटा बाय बाय, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसने कमर्शियल वेलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जापान के लोग का कस्टम है कि वेल का मीट खाते हैं, वेल की मीट खाते हैं, ठीक है। स्पर्म, ये मैंने वैसे अपने उस वीडियो में बताया था, करंट अफेयर के वीडियो में बताया था, स्पर्म वेल, स्पर्म वेल लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा टूथ वेल है, टूथ वेल है, ठीक है, जिसका टूथ होता है, ऐसा वेल जिसका दांत होता है, दांत, ठीक है। सो फ्लाइंग मैमल, ऐसा मैमल जो कि फ्लाई कर सके, अभी तक तो बर्ड ही फ्लाई करता है, लेकिन मैमल भी फ्लाई करते हैं, तो आंसर विल बी बैट, बैट इज द मैमल विच फ्लाई, ठीक है। और ये इस जो फोटो है इसको पेलिकन बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच तो आपको पता होगा, जैगुआर तो पता होगा जो दौड़ता है, जैगुआर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच डज नॉट बिलोंग टू एव, एव मतलब पंछी जो कि उड़ सकते हैं। तो क्रो इज ए एव, क्रो मतलब कौवा इज ए, ईगल इज ए एव, पैरट इज ए एव, बट बैट ऑल्दो उड़ सकता है, लेकिन दिस इज ए मैमल, सो दिस गाय इज ए मैमल। हाँ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग, सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लायन, इसमें कौन मैमल है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सी काउ, सी काउ जो इसको डुगोंग भी बोला जाता है, डुगोंग, वो एक मैमल है। तो विच इज ए मैमल, तो आंसर क्या होगा, आंसर ये इधर ये तो नहीं होगा, ठीक है। और सी लायन, सी लायन इज ऑल्सो ए मैमल, सो द आंसर विल बी वन एंड थ्री। एंड ये तो सी हॉर्स है, सी हॉर्स तो मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं अभी दो बार कि ये मैमल नहीं है, ये इसको ये एक्चुअली फिश है,
ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. सो डॉल्फिन एंड सील्स आर क्लासिफाइड क्या है? डॉल्फिन क्या है? ये मैमल है, रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियन नहीं है, फिश नहीं है. ऑल्दो डॉल्फिन और सील दोनों रहते हैं पानी में, बट दे आर मैमल. ठीक है, स्तनधारी जानवर. अच्छा, एम्फीबियन क्या होता है? अभी मैं बहुत बार एम्फीबियन एम्फीबियन आ चुका है. तो देखिए, ये है एम्फीबियन, मतलब फ्रॉग्स आर एम्फीबियन. ये दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज जमीन पे भी रह सकते हैं. ठीक है, ये लीच आर एम्फीबियंस, दिस टाइप ऑफ, जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, उसको वाटर में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी, सरफेस में भी रह सकते हैं, सरफेस पे भी रह सकते हैं. तो इस तरह के को जानवर को एम्फीबियन बोला जाता है. तो एनिमल्स लिविंग इक्वली, ऑल द इक्वली इज़ रॉन्ग बट हाँ ठीक है, एनिमल्स लिविंग इक्वली इन लैंड एंड वाटर. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, सबसे छोटा मैन लाइक एप. देखिए, ये ह्यूमन है आपका, इस सबसे छोटा कौन है? इस फोटो से पता चल जाएगा. गिबन इज द स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप. ठीक है, चिंपांजी, गोरिला, ऑरंगटून जो है, ये सब बड़ा होता है गिबन से. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. सो ऑक्टोपस, सो ऑक्टोपस है क्या? इसने पूछा व्हाट इज एन ऑक्टोपस. आर्थोपोडा तो नहीं होगा, क्यों? आर्थोपोडा जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, वो आर्थोपोडा में आते हैं. इग्नोडर्म्स भी नहीं होगा. एंड हेवी कॉडिटा, जो हाफ कॉडिटा, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन कम होती है, मतलब डेवलप नहीं हुई है अभी उतनी, तो उसको तो ऑक्टोपस, ये भी हेमिकॉर्डिटा भी नहीं है. तो ऑक्टोपस क्या है भाई? ऑक्टोपस इज ए मोलस्कन, ए मोलस्क है. ठीक है, आंसर इज मोलस्क. और इसमें वर्टेब्रेट नहीं होता है. देखिए, वर्टेब्रेट नहीं होता, मतलब ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इसमें, वर्टेब्रा नहीं होता है इसमें. ठीक है, विल मूव अहेड. लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट, ऐसा जिसमें ऐसा जानवर जो जिसमें वर्टेब्रा नहीं है, वर्टेब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा जानवर जो इनवर्टेब्रेट है, जिसमें नहीं है. तो आंसर क्या होगा? स्क्विड, स्क्विड, ये आप स्क्विड ही है, दिस इज स्क्विड. टिक्स एंड माइट, ये टिक और माइट है, ये किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं? ये इंसेक्ट नहीं आता है, दे आर नॉट इंसेक्ट. एंड ये मैरीपोड्स, क्रस्टेशियंस भी नहीं है. आंसर इज आर्कनिडा. बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए याद रखना होगा आपको ये आर्कनिडा, आर्कनिडा. ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्कनिडा. अच्छा, ग्लोवर्म आपने देखा ही होगा, जो जुगनू उसको बोला जाता है. तो ये क्या है? ये मोलस्क नहीं है. मोलस्क जैसे, मोलस्क तो मैं आपको बताया, ऑक्टोपस मोलस्क होता है, मोस्टली ये पानी में रहते हैं. वर्म नहीं है. ठीक है, नेमेटोड भी नहीं है. नेमेटोड ना पैरासाइट होता है मोस्टली. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? एन इंसेक्ट. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट नहीं है. ठीक है, तो मॉस्किटो इज इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है. हाउस फ्लाई मतलब मक्खी इज एन इंसेक्ट. बेड बग, इवन बेड बग इज एन इंसेक्ट, बट स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. ठीक है, सो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. एक्चुअली जो स्पाइडर होता है ना, ये भी बिलोंग कर, अभी मैंने आपको बताया आर्कनिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, आर्कनिड्स कहाँ गया, हाँ आर्कनिड्स, दे आर वेरी, स्पाइडर इसी से बिलोंग करता है. स्पाइडर, स्पाइडर मैन इसी में आते हैं, आर्कनिड्स में आते हैं. ठीक है, इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसके आठ लेग होते हैं, एट लेग. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉक्टर्नल एनिमल. नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एक्टिव रहता है. ऑल्दो हाउस फ्लाई मक्खी आपने रात में तो एक्टिव कभी रहता नहीं देखा. पैरट कभी रात में एक्टिव रहता है? तो ये तो गलत ही हो गया. लेट्स सी, स्पैरो, डियर, ये सब दिन में एक्टिव रहने वाले हैं, तो ये भी गलत हो गया. डियर मतलब तो पता ही आपको क्या होता होगा. आउल रात में एक्टिव रहता है. बैट रात में एक्टिव रहता है, बट डॉग रात में एक्टिव नहीं रहता है, तो ये भी गलत हो गया. बैट एंड आउल्स इज एक्टिव इन, इज वेरी एक्टिव इन नाइट. इवन मॉस्किटोज आर वेरी एक्टिव इन नाइट,
मच्छर आपको रात में बहुत काटता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट एक्टिव इन द डे, जैसे एडिस इजिप्ट, स्पेलिंग में याद नहीं आ रही है, एडिस जो है जिसे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, दे आर वेरी एक्टिव इन द नाइट, सॉरी डे. तो ऑल्सो इसका आंसर ये भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज बी. मॉस्किटो के बारे में देखते हैं, ओनली मेल सक ब्लड, नहीं, मेल कभी सक नहीं ब्लड करता है. हम लोग मेल जो होते हैं ना बड़े अच्छे इंसान होते हैं, दे सक हनी, फ्लावर को सक करते हैं, फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं. तो मेल आर वेरी गुड ह्यूमन, हमेशा फीमेल सक ब्लड, आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट एज ऑफेंसिव. फीमेल सक ब्लड, ऑल फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड, फीमेल सक प्लांट जूस, नहीं, मेल सक प्लांट जूस, तो ये ऑप्शन सही है. मेल हैव बिगर विंग देन फीमेल, नहीं, मेल डोंट हैव बिगर विंग देन फीमेल, इसका जो मेल का जो विंग होता है ये छोटा होता है फीमेल से, ठीक है, तो फीमेल हैव बिगर विंग देन मेल. तो इसका आंसर 2 and 5 होगा बोथ, इसमें कूट मैंने दिया नहीं, बट इसका आंसर विल बी 2 and 5. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर वाटर इन इंटेस्टाइन, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर इफ यू इवन आपको नहीं पता है ना तो आपको पता होना चाहिए. कैमल, आप इजिली गेस कर सकते हैं, कैमल, एक्चुअली कैमल एक बार पानी पी लेता है तो ही कैन सर्वाइव फॉर एटलीस्ट सम डेज, ठीक है, तो कैमल इज द आंसर. पॉइजन फ्लैंग, ये फैंग, फ्लैंग नहीं, फैंग्स ऑफ द स्नेक इज होमोलोगस टू विच, तो ये देखिए पॉइजन है ना, इससे ये जो पॉइजन फ्लैंग, पॉइजन ये दांत है, ये एक्चुअली यहाँ पे जो ग्लैंड होता है पॉइजन ग्लैंड, इससे जुटा हुआ रहता है. और ये जो दांत है ह्यूमन बींग का मैक्सिलरी टीथ, जो आगे वाले जो टीथ है ना, दो दो तीन तीन दो तीन, उसको मैक्सिलरी टीथ बोलाता है. वो हमारा मैक्सिलरी टीथ इसका ह्यूमन, इसका पॉइजन फैंग्स है, ठीक है, ओके. प्लांट ग्रोन इन रॉक, जो रॉक इसमें आप देख रहे हैं ये है रॉक, इसको बोला जाता है लिथोफाइट, लिथोफाइट, लिथो का मतलब ही होता है रॉक. तो प्लांट, देखो ये प्लांट इज ग्रोइंग इन ए रॉक, और अगर आप जेरोफाइट देखें, जेरोफाइट द प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट, एक्चुअली दे ग्रो इन ए डेजर्ट, वेरी बैड, वेरी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. एक्चुअली लिथोफाइट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, बहुत डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कैक्टस है. एपीफाइट ऐसे प्लांट जो कि ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब दे आर सम प्लांट जो कि ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है. और हेलोफाइट जो है आर द प्लांट विच एक्चुअली ग्रो इन ए हाई सेलाइन कंडीशन, सेलाइन मतलब जहां पे बहुत ज्यादा नमक है, यहां बहुत ज्यादा नमक है, तो उसको वहां वो ग्रो करते हैं. तो आंसर क्या होगा, लिथोफाइट. सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, उसको, इसका नाम ये है आंसर पिचर प्लांट, इसको पिचर प्लांट बोला जाता है, आंसर इज पिचर प्लांट. तो पिचर प्लांट क्या होता है ना, ये देखिए ऊपर वाला जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गया, यहाँ कोई इंसेक्ट ऐसे बैठा तो ये चुपचाप बंद हो जाता है, और बंद होकर ये खा लेता है इसको. पता है क्यों खाता है, वाई दिस प्लांट ईट इंसेक्ट, इसलिए खाता है क्योंकि ये प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है सॉयल से, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो ये इंसेक्ट्स को खा के अपना नाइट्रोजन पूरा करता है, ठीक है. ये पैशन फ्लावर प्लांट है, बड़ा नहीं सॉरी, ये नाइट क्वीन प्लांट है जो सिर्फ नाइट में आती है और दिन में खत्म हो जाती है. ये पैशन फ्लावर प्लांट है, ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट है, ठीक है. और विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इन टू ए पिचर, तो आंसर क्या होगा, लीफ, ठीक है. ये इजी क्वेश्चन था. टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी, अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. माइटोसिस एक सेल जब दो इसमें डिवाइड हो जाता है तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोला जाता है. मियोसिस में एक दो सेल पहले फ्यूज होगा, मतलब एक मेल का और एक फीमेल का, ठीक है, फ्यूज होगा और उसके बाद डिवाइड होगा, तो उसको मियोसिस बोला जाता है. अगर आपको मियोसिस पढ़ना है ना बेस्ट, अगर किसी तो पढ़ना है तो एंथर में आप मियोसिस बहुत अच्छे से देख सकते हैं, तो आंसर भी एंथर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. ईस्ट, अगर आप
ब्रेड को छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर देखिए फफूंदी लग जाता है, उसको ईस्ट कहते हैं। और ये होता क्या है, ये प्रोसेस इज फर्मेंटेशन एक्चुअली, और ये फर्मेंटेशन इज एक्चुअली गुड समटाइम, गुड इन द सेंस आप ईस्ट को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम दारू बनाते हैं, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो ईस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। केसीन मिल्क प्रोटीन है। एलोवेरा इज एंजियोस्पर्म। एलोवेरा आजकल बाबा रामदेव खूब खिलाते हैं एलोवेरा, एलोवेरा पिलो, एलोवेरा पीलो। तो ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसा प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एंथर पॉलन ग्रॉन प्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे अड़ूल आपने चाइना रोज देखा होगा कितना सुंदर फ्लावर होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे ऐसे देखेगा तो पॉलन ग्रेन होता है। तो ये तीनों तो सही है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो आंसर ये होगा, ये पैरासाइटिक नहीं, एंजियोस्पर्म ये पैरासाइटिक नहीं होता है। नेफ्थिन्स ऐसा नहीं है कि पैरासाइट किसी के साथ, किस पैरासाइट मतलब हम, मैं किसी के पर डिपेंडेंट हूँ, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपना खाना खुद यूज बना लेता है मतलब, और उस और ये किसी को मार के, जैसे इंसेक्ट को मार के नाइट्रोजन में निकाल लेता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर ये इस ए पैरासाइट, इट इज नॉट ए पैरासाइट टू समवन। पैरासाइट तो किसी के, जैसे पैरासाइटिक डिजीज, मलेरिया कैन बी पैरासाइटिक डिजीज जैसे, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें, वो हमारे अंदर रहता है और हमको मार देता है, ठीक है। तो ये किसी के अंदर नहीं रहता है, नेफेंथीस। तो ये आंसर विल बी डी, नेफेंथीस खासियाना। ये पता है इंडिया में पाया जाता है ये, और इसको पिचर प्लांट भी बोला जाता है, मतलब सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये जो नेफेंथीस है इसी का नाम है पिचर प्लांट, ये वाला प्लांट, इसको बायोलॉजिकल नेम है पिचर प्लांट। तो नेफेंथीस खासियाना जो है ये इंडिया में पाया जाता है, ये पिचर प्लांट है और ये एक्सप्लिसिटली इंडिया में पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड है, और ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में, मेघालय में, ठीक है। तो लेट्स मूव, टर्मरिक, टर्मरिक तो खाई होंगी, हल्दी, तो हल्दी क्या है भाई, रूट है, स्टीम है, फ्रूट है, फ्लावर बर्ड है। तो हल्दी ये देखिए, ये है हल्दी, ये एक्चुअली स्टीम है, स्टेम है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, ओपियम, ओपियम ठीक है, ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या होता है और बॉटनिकल नेम क्या होता है, आंसर विल बी दिस, पेपरबोरा सोमनीफेरा। तो ये अम्बलिका ऑफिसिनेलिस क्या है, आंवला है, आंवला, रामदेव इसको भी खूब पिला रहे हैं अभी हम लोगों, आंवला, ठीक है। और राई फोलिया सरपेंटिया इज ए प्लांट जिसपे बोला जाता है कि ये सांप आके रहते हैं, और दिस इज वेरी गुड फॉर हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन के लिए बहुत अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन है तो इसका यूज किया जाता है टू कम टू रिमूव योर हाइपर टेंशन, ठीक है। कौन इसमें मॉडिफाइड रूट है, ये आप देखिए आंसर ही होगा, स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो है वो जमीन के अंदर होता है, इट्स ठीक है। एंड स्वीट पोटैटो इज रूट, मतलब ये मॉडिफाइड जो रूट है, रूट तो ऐसे होता है ना नॉर्मली ऊपर शूट होता है, बट ये मॉडिफाई होकर थोड़ा मोटा हो जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जमा हो जाता है, स्टार्च जमा हो जाता है, स्टार्च ए, ठीक है, स्टार्च जमा हो जाता है, और इसलिए इसको स्वीट पोटैटो इज, और इसलिए ये मीठा भी होता है, और ये मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट है। कौन तो भाई रूट पहले, तो विच इज द फॉलोइंग इज ए स्टेम, तो मॉडिफाइड रूट के बाद स्टेम कौन है, तो टर्निप ये भी रूट है, सॉरी 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 ये भी रूट है, ठीक है। कैरेट ये भी रूट है, कैरेट मतलब गाजर, ये भी मॉडिफाइड रूट है। टर्निप आप देखे होंगे ऐसे मोटा सा, स्वीट पोटैटो तो अभी बताया रूट है, तो आंसर क्या होगा, जिंजर, जिंजर इज ए स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम क्या है, कैरेट रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, कोकोनट इंडोस्पर्म है, ये याद रखिएगा इंडोस्पर्म है। तो मॉडिफाइड स्टेम कौन सा होगा, पोटैटो। जो आलू होता है आपका ना, वो रूट नहीं है, स्टेम है, मतलब तना है, तना, जड़ नहीं है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल फंक्शन
एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट, एक फंगस और रूट ऑफ द हायर प्लांट में ना लव होता है, फंगस लव्स हायर प्लांट, तो इसको बोला जाता माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा इज द आंसर फॉर दिस। ये सिर्फ याद रखिएगा, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। लेट्स टॉक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जो कि नाइट्रोजन बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट को। तो ये क्या है, ये एक्चुअली पैरासाइट तो नहीं है, मतलब कोई मर नहीं, अगर जब तक कोई मर नहीं रहा है तब तक वो पैरासाइट नहीं होता, सैप्रोफाइट भी नहीं है, प्रोटोलाइटिक भी नहीं है, सिम्बायोटिक है, मतलब बैक्टीरिया को खाना मिल जा रहा है प्लांट से। ठीक है, और जो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जा रहा है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मिल जा रहा है इसको। ठीक है, तो इसलिए सिम्बायोटिक, मतलब वन बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग इच अदर। सो पीनट प्लांट क्या है, पीनट तो आपने देखा ही होगा गांव में अगर गए होंगे तो, ये नहीं होगा, बुश भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, ये हर्ब है। हर्ब दो तीन तरह का, हर्ब, श्रब और ट्री। ट्री तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा बड़ा ट्री हो गया, श्रब थोड़ा छोटा होगा, हर्ब बहुत छोटा होगा, और इसके पास ये मोस्टली जमीन पे लेटा रहता है क्योंकि ही डोंट हैव स्टेम, इसका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तना जो है इसका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। क्लोव, क्लोव लॉन्ग तो आपने खाया ही होगा, तो क्लोव, ये देखिए क्लोव का प्लांट, दिस इज द क्लोव प्लांट एंड दिस इज फ्लावर ऑफ क्लोव। जब फ्लावर बंद रहता है ना तो उसको हम लोग बड बोलते हैं, बड बोला जाता है फ्लावर जब बंद रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोव इज बड ऑफ स्टेम नहीं है, स्टेम नहीं, ये स्टेम नहीं है, रूट भी नहीं है, ये क्लोज बड ऑफ फ्लावर है, आंसर क्लोज बर्ड होगा। सो क्लोव्स क्या है, एक्चुअली ये फ्लावर है, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, इसको तोड़ा जाता है, उसका सुखाया जाता है, तो ठीक है, इसलिए ये ड्राइड फ्लावर है, लीव तो नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नोड्यूल ऑफ रूट और स्टेम नहीं है, ये फ्लावर है लेकिन इसको सुखाया जाता है, आई मीन यू ड्राई इट इन द सन, इसको लेके सुखाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट लॉन्ग, लॉन्ग बन गया। हाँ, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ड्राइड फ्लावर बर्ड आंसर होगा। सैफरन, जो सैफरन जो जम्मू कश्मीर में होता है, ये एक्चुअली है क्या, ये देखिए दिस इज द सैफरन का, सैफरन का फ्लावर, ये देखिए सैफरन जो है सीड फॉर्मिंग प्लांट ऑफ प्लांट, ये यहाँ पे जो सीड फॉर्मिंग प्लांट है ना, ये वाला, ये सैफरन का, और ये सो आंसर विल बी सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जिंजर इज राइजोम, राइजोम क्या होता है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए राइजोम, राइजोम आर दोज प्लांट विच कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, इसलिए वो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे ये देख रहे हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, और ऐसे ग्रो किया, फिर से यहाँ से निकला, फिर से ग्रो किया, तो इसको राइजोम है। तो जिंजर, जिंजर यस, जिंजर इज ए राइजोमी, अनियन राइजोम है, जिंजर राइजोम है, अनियन आपने देखा ही होगा मोटा मोटा, थोड़ा उसका ये होता है लीफ होता है, तो फ्लैसी लीफ, ये भी सही है। कोकोनट इंडोस्पर्म है, सही है, और पोटैटो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टेम है, रूट नहीं है, रूट कौन है, स्वीट पोटैटो रूट है, लेकिन स्वीट, अगर स्वीट लगा दे, स्वीट पोटैटो ये क्या है, रूट है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द this chapter, and this is the end of this video, did not this chapter, I'll do again 40 question in the next video, so please subscribe to the my channel if you like it, subscription is very important, and please jo bell hota hai na usko bhi bell pe bhi zara press kar dijiyega taki aap jab bhi main video banau aapke paas seedha pahunch jaye, theek hai, please subscribe, like, कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि और क्या पढ़ना है और क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, कमेंट कीजिए। सो यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।